अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं डीजी कंप्यूटिंग चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। वो खुशखबरी ये है कि GDRFA से अप्रूवल आना शुरू हो गए हैं। इन 2 दिनों में मैक्सिमम 60 से 70% लोगों को अप्रूवल मिल रहे हैं। और दूसरे नंबर पर मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई है, लेकिन आपने जो ईमेल एड्रेस लगाई है वो गलत है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर है आगे। तीसरे नंबर पे ये आपको बताऊंगा कि आप अपना अप्रूवल कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। तो सबसे पहले जो खुशखबरी मैंने आपको बतानी है वो ये है कि रात मैंने एक एप्लीकेशन अप्लाई की। ठीक है, मैंने मैक्सिमम 3 एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं, जिनमें से 2 अप्रूव हो गए हैं और एक रिजेक्टेड हो गया है, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब इनका जो GDRFA में जो प्रोसेस चल रहा है वो बिल्कुल फास्ट चल रहा है। अब तो मैं इसका प्रूफ आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं ईमेल का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, जो कि मैंने 11/2 को अप्लाई किया था रात को, और उसका जो रिस्पॉन्स आया है मुझे 4 मिनट में। 11/2 को मैंने अप्लाई किया और 11/6 को अप्रूव हो गया। विद इन 5 मिनट्स जो एप्लीकेशन है आपकी अप्रूव हो जाती है। अभी आपको ख्याल यही करना है कि जब आप अपने एप्लीकेशंस फिल करते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड करते हैं, तो कोशिश करें कि वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और उनका जो नाम है डॉक्यूमेंट्स का तो उन्हें रीनेम करें। पासपोर्ट में लिखें पासपोर्ट कॉपी और रेजिडेंस कॉपी और आईडी कॉपी फ्रंट, आईडी कॉपी बैक, यानी ऐसे आप रीनेम करेंगे ना तो उन्हें आसानी हो जाएगी। तो यही थी खुशखबरी। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपना ईमेल एड्रेस गलत आपने लगाया है अपने एप्लीकेशन में, तो अब आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट की तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, वो लाजमी है। ठीक है, अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर भी नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे अपना, अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप वो जो डॉक्यूमेंट है अप्रूवल है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली आप लैंग्वेज इंग्लिश कर दें, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे हम एप्लीकेशन ट्रैक करते हैं, सिंपली आपको ट्रैक करना है उसे। ट्रैक करने के बाद आपको बताऊँगा उसे आप डाउनलोड कैसे करें। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर लगाना है। अगर आपने ईमेल एड्रेस गलत लगाया है तो बिल्कुल आपको अपना जो अप्रूवल है वो यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा ईमेल, क्योंकि आपके पास वो उस ईमेल की एक्सेस नहीं है जो आपने गलत लगाई है। तो सिंपली आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, ये 3 एप्लीकेशन्स नंबर हैं जो मैंने रात को अप्लाई किए थे। अब ये एप्लीकेशन नंबर मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मैं डाल रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, और नेशनलिटी आपको लिखनी है अपनी। ठीक है, उसके बाद सिंपली आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करें और सर्च करें। ये सर्च, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सर्च हो जाएगी तो आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। अब आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ये व्यू का है, हिस्ट्री का है, और डाउनलोड एप्लीकेशन और डाउनलोड अप्रूव डॉक्यूमेंट। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, और अगर आप अपना अपने जो भी डिटेल्स आपने फिल किए थे वो देखना चाहते हैं तो व्यू पे क्लिक करें, लेकिन हम डाउनलोड अप्रूव डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट PDF में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड है, डाउनलोड हो रहा है, तो हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखो ये आपका अप्रूवल कॉपी है। अगर आपके पास ये चीज़ है तो आपको ईमेल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ईमेल मिसप्लेस हो भी जाता है, आप भूल भी जाते हैं या गलत ईमेल लगाते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा, अभी 3 में से मैंने एक एप्लीकेशन चेक किया है। ठीक है, तो 2 दूसरे जो मैंने अप्लाई किए थे वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये दूसरा एप्लीकेशन है,
तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ, आई एम नॉट रोबोट, और इसे मैं सर्च करता हूँ। देखें ये भी अप्रूव्ड है, ये रात को मैंने अप्लाई की थी, इसका भी जो प्रोसेस है वो भी विद इन 5 मिनट्स में हो गया है, आप डेट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन जो मैंने अप्लाई की थी, तो उसका स्टेटस भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये प्रोसेस हो गया, अनफॉर्चुनेटली ये जो है लास्ट वाला हमारा, ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अभी इसका जो रिजेक्ट हो गया है तो इसे हम दोबारा अप्लाई करेंगे। तो आज का वीडियो यही तक था, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो मुकम्मल देखें। अक्सर आप जो सवाल करते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपके सवालों के जवाब जो हैं इस वीडियो में ही हैं, तो कोशिश करें वीडियो मुकम्मल देखें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।